फाइनली क्लैश ऑफ क्लैंस में न्यू इवेंट स्टार्ट हो चुका है, अनलिमिटेड हीरोज इवेंट। इस इवेंट के थ्रू आप लोग अपने हीरोज को अपग्रेड पे लगा के भी यूज कर सकते हो, वॉर या फिर सीडब्ल्यूएल या फिर नॉर्मल अटैक्स के अंदर इजीली आप लोग उनको यूज कर सकते हो। आज का वीडियो आप सभी क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में कुछ 5 से 7 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप लोग इस इवेंट को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड उसी के साथ में गाइस आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है ताकि आप लोग अपने सभी हीरोज को यहाँ पे अपग्रेड कर सको। उसी के साथ में भाई साहब, अगर आप लोगों के पास में टाइमिंग की थोड़ी कमी है तब आप लोग इस इवेंट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला उस इवेंट के रिगार्डिंग। तो आज का वीडियो को आप लोग को पूरा एंड तक वॉच कर लेना है। ऐसी क्लैश ऑफ क्लैंस अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। क्लैश ऑफ क्लैंस का अब तक का सबसे बेस्ट इवेंट आप लोग इसको बोल सकते हो, और शायद ही इन फ्यूचर हमें ऐसे कोई इवेंट देखने के मिले, इसलिए भाई साहब बिल्कुल से भी इसको मिस आउट मत करना। सबसे पहली टिप्स गाइस आप लोगों के लिए, लेजेंड से बाहर निकलो। यस गाइस, अगर आप लोग लेजेंड लीग पे हो तो आप लोगों को सिंपल से अपनी ट्रॉफी को कम कर लेना है, क्योंकि भाई लेजेंड लीग पर हमें कुछ लिमिटेड ही अटैक देखने को मिलते, इसलिए भाई हम लोग लूट ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे टाइटन लीग पे या फिर हो सके तो चैंपियन लीग पे आप लोग स्टे कर सकते हो, जिससे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा अटैक कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे लूट को कलेक्ट कर सको। तो सबसे पहले टिप्स तो गाइस आप लोग को यही जाते हैं कि आप लोग को लेजेंड लीग से बाहर निकल जाना है। टिप नंबर 2 गाइस, अपने सभी के सभी हीरोज को आप लोग को अपग्रेड करना है, यानी कि बिल्डर्स को फ्री छोड़ो गाइस डिपेंडिंग योर हीरोज। अगर आप लोग को 2-3 हीरोज को यहां पे मैक्स करना है यानी कि उनको अपग्रेड करना है, तो आप लोग को 3 बिल्डर को यहां पे फ्री छोड़ना है। लाइक आप लोग को चारों बिल्डर को अभी मैक्स करना बाकी, तो आप लोग को चारों बिल्डर को यहां पे फ्री छोड़ना है। जो बाकी के बिल्डर है आप लोग उनको दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन भाई हीरोज को आप लोग इस मंथ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप लोग को देना है। ओके, तो जैसे कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो, भाई मेरा अपना 2 हीरोस मुझे यहाँ पे अपग्रेड करना है, बाकी मेरे 2 हीरोस यहाँ पे मैक्स आउट है, आप लोगों को पता होगा। सिंपल, सबसे पहले मैं अपने किंग को अपग्रेड कर दूंगा, उसी के साथ में गाइस मेरा यहाँ पर वॉरियर तो भाई ऑलरेडी मैक्स पड़ा हुआ है, एंड क्वीन भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैक्स कर लिया, यानी कि किंग एंड आरसी बचा मेरा। तो मैं अपने 2 बिल्डर को यहाँ पे फ्री छोड़ूंगा, उसके बाद जो बाकी के मेरे 4 बिल्डर है उनको गाइस मैं बिजी कर दूंगा किसी अदर बिल्डिंग्स के अंदर। ओके, तो डिपेंडिंग यूर हीरोस आप लोग अपने बिल्डर को यहाँ पे फ्री छोड़ सकते हो, एंड जैसे ही आपके पास मेरे रिसोर्सेज आए तुरंत के तुरंत उनको अपग्रेड करो। 3 हीरोस तो यहाँ पे डार्क के साथ में अपग्रेड होंगे, अपना यहाँ पर किंग क्वीन आरसी, एक अपना वोडेन यहाँ पे एलिगर के साथ में अपग्रेड होगा जो कि भाई मेरा ऑलरेडी मैक्स आउट है। बाकी के बिल्डर्स को आप लोग बिजी कर सकते हो अदर बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि मेरे पास 4 बिल्डर अभी और पड़े भाई साहब, तो चलो मैं अपने 4 बिल्डर को और कहीं पे बिजी कर सकता हूँ, नॉट प्रॉब्लम गाइस। लेकिन हीरोज को सबसे पहले आप लोगों को प्रायोरिटी देना, क्योंकि भाई ये मंथ हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। नंबर 3, इस इवेंट के लिए आप लोग को अपने बिल्डर को भी बूस्ट करना है, बिल्डर पोशन का यूज करना है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि हाईएस्ट टाउन में भाई साहब टाइमिंग काफी ज्यादा लगता है ना, हमारे पास में सिर्फ 1 महीना, इसलिए आप लोग हो सके तो अपने बिल्डर पोशन का यूज करो। सीडब्ल्यूएल मेडल भाई आप लोगों के पास में भर भर के पड़े होंगे, 5 के 5 बिल्डर पोशन को यहां से परचेस कर लो, ये बम बम बम। ओके, फाइनली हमने पूरी यहां पे बिल्डर पोशन को परचेस कर लिया, लगा दो भाई साहब बूस्ट पे, चारों के चारों हीरोज को अपग्रेड कर दो, बूस्ट पे लगाओ बिल्डर पोशन जितना ज्यादा यहां पे हो सके, क्योंकि हमको भाई कम से कम टाइमिंग के अंदर अपने हीरोज को मैक्स आउट करना है। इसी मंथ के अंदर भाई मैक्स हो जाए तो काफी अच्छी बात है, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को 4-5 या फिर 6-7 लेवल अपग्रेड करना हो तो फिर भाई इजीली इस मंथ के अंदर आप लोग अपने हीरोज को मैक्स कर सकते हो। प्लस अपना अप्रेंटिस बिल्डर इसको भी भाई बूस्ट पे लगाओ, क्योंकि भाई बिल्डर पोशन से इस बिल्डर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डर पोशन अपना काम करेगा, अप्रेंटिस बिल्डर अपना काम करेगा। वैसे मेरा भाई कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा अप्रेंटिस बिल्डर अभी लेवल 1 गई है, तो भाई समझ सकते हो आप लोग। तो आप लोग को भाई बिल्डर पोशन का जरूर से यहाँ पे यूज करना है, सीडब्ल्यू मेडल के साथ में आप लोग इसको इजिली परचेस कर सकते हो। जहां तक मुझे लगता है कि भाई मैं अपने हीरोज को इसी मंथ के अंदर कंप्लीट कर लूंगा भाई, पूरा का पूरा मैक्स करके छोड़ूंगा, मुझे ज्यादा लेवल यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना है, आप लोग को भी शायद देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड पता नहीं भाई आने वाले टाइम के अंदर हमें पता चल जाएगा, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग अपने हीरोज को क्या इस मंथ के अंदर मैक्स आउट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। टिप नंबर 4 भाई, कैसे रिसोर्सेस हम लोग को कलेक्ट करना है, क्योंकि भाई चारों हीरोज को अपग्रेड करने में रिसोर्सेस कितना ज्यादा लगेगा आप लोग को भी पता है, तो रिसोर्सेस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इस मंथ। तो सबसे पहले कुछ मत करो भाई, सबसे पहले गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपने स्नेक की गोब्लिन को आप लोग को अनलॉक कर लेना है। ये आप लोग अपने टाउन हॉल 11 पे हो या फिर उससे ऊपर हो तो आप लोग इजीली इसको अनलॉक कर सकते हो। स्नेक की गोब्लिन को अनलॉक करने के बाद भाई साहब पूरी आर्मी आप लोग को इसी के साथ में भर देना है, क्योंकि भाई ये फार्मिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आप लोग की हेल्प करेगा, एंड लूट भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ये देगा। तो आप लोग यहाँ पे स्नेक की गोब्लिन रख लेना, प्लस आप लोग 2-4 यहाँ पे कुछ विजार्ड्स को भी रख सकते हो, और भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है ऐड करना सही रहेगा तो आप लोग उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने तो भाई साहब यहाँ पे विजार्ड्स एंड स्नेक की गोब्लिन के साथ में पूरा आर्मी यहाँ पे
वगैरह डाला है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। स्पेल्स के अंदर आप लोग रेंज स्पेल एनफ्रेज का यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनविजिबल स्पेल भी चाहे तो आप लोग यूज कर सकते हो। टाउन हॉल निकालने के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि भाई अगर आप लोग को अपनी ट्रॉफी माइनस नहीं करना है, क्योंकि इसने की गोब्लिन आर्मी के साथ में तो आप लोगों को पता ही क्या ही सीन होता है, आप लोग की ट्रॉफी यहाँ पे माइनस हो सकती है, तो आप लोग भाई एक काम करना जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो अपनी आर्मी हो गई यहाँ पे, एंड स्पेल्स के अंदर आप लोग को अपना रेंज स्पेल रख लेना है जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेंज स्पेल एंड कुछ 5 फ्रेज स्पेल रख रखा है, इसको आप लोग यहाँ पे कैंसिल करके अपना जंप स्पेल तो भाई आई थिंक काम नहीं पड़ेगा इसका। आप लोग चाहो तो यहाँ पे इनविजिबल स्पेल को ऐड कर सकते हो या फिर अपना रेंज स्पेल ही आप लोग रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 रेंज स्पेल 5 यहाँ पे फ्रेज स्पेल रख रखा है। ओके गाइस, अभी हम लोग बात करके कैसे आप लोग इस अटैक स्ट्रेटजी के साथ में बिना ट्रॉफी माइनस के आप लोग इससे अटैक कर सकते हो एंड फार्मिंग करके भाई लूट भी अच्छा मिलेगा, प्लस आपकी ट्रॉफी भी माइनस नहीं होगी तो कितना अच्छा होगा। आप लोग को भाई कुछ नहीं करना है, अपने को यहाँ पर बैटल ब्लिम को लेना है क्योंकि टाउनल को इजीली टाउनल के पास में पहुंच जाएगी। बैटल ब्लिम के साथ में आप लोग अपना यहाँ पे स्नेक गोब्लिन को ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ भाई लाइव करके सब कुछ। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे कैंसिल कर दिया, अभी मेरे पास में एक दूसरी आर्मी, पहले मुझे उसको यूज करना पड़ेगा, बट मैं आप लोग को सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपके सब मैंने यहाँ पे स्नेक गोब्लिन को रख लिया, उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे अपने बैटल ब्लिम को ले लेना है। ओके, बैटल ब्लिम को ले लिया, प्लस आप लोग यहाँ पे फ्रेज स्पेल या फिर रेंज स्पेल इनको आप लोग ऐड कर सकते हो या फिर इनविजिबल स्पेल को भी ले सकते हो। मैंने गाइस यहाँ पे अपना फ्रेज स्पेल को यहाँ पे ऐड कर लिया एंड एक इनविजिबल स्पेल रख लिया। सिंपल आप लोग उस आर्मी को कंफर्म करके इसको आप लोग ले सकते हो, इससे भाई आप लोग को इजिली टाउन हॉल मिल जाएगा, यानी कि आप लोग की भाई ट्रॉफी तो अभी माइनस नहीं लगने वाली, प्लस आप लोग को आप रिसोर्सेज भी भर भर के मिलेगा, इजिली आप लोग इस आर्मी के साथ में फार्मिंग कर सकते हो। नंबर 5 इस इवेंट के लिए भाई साहब आप लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग पोशन का यूज करना है जिससे आप लोग की आर्मी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। यस गाइस, आप लोग को ट्रेनिंग पोशन का भाई साहब यूज कर देना है, 1 घंटे के लिए आपकी आर्मी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। इसलिए कि गोब्लिन को भाई टाइमिंग मतलब कि ट्रेन होने में टाइमिंग ही नहीं लगता है रियली भाई, जैसे आप लोग अटैक करके आओगे तुरंत तुरंत आप लोग को आर्मी भाई रेडी मिलेगी। एंड अपने को यहाँ पे गोल्ड पास के अंदर ही स्टार्टिंग में ही 2 यहाँ पे ट्रेनिंग पोशन दे दिया क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने, जो कि भाई आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि उनको भी पता है कि भाई साहब ट्रेनिंग पोशन की तो जरूरत पड़ने वाली, तो आप लोग भाई ट्रेनिंग पोशन का यूज़ करो। मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी अटैक नहीं करने वाला, जैसे ही मैं भाई यहाँ पे फ्री होता हूँ बाकी काम से तो डेफिनेटली मैं ट्रेनिंग पोशन का यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस ट्रेनिंग पोशन का आपको जरूर से यूज़ करना, अगर आप लोगों के पास में ट्रेनिंग पोशन नहीं है तो गाइस आप लोग इजीली यार 10 CW मेडल के साथ में एक ट्रेनिंग पोशन परचेज कर सकते हो, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। टिप नंबर 6 आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के पास में भाई टाइमिंग नहीं है, अगर आप लोग बिजी हो तो भाई स्कूल लाइफ या फिर ऑफिस वगैरह कुछ वर्क में है ना, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इस गेम को प्ले नहीं कर सकते, तो आप लोग को भाई किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस इक्विपमेंट भाई जो इक्विपमेंट आपका अच्छा खासा लेवल का हो एंड जो आपका फेवरेट हीरो, उसको आप लोग पहले मैक्स कर सकते हो, यानी कि उन हीरो को आप लोग पहले अपग्रेड कर सकते हो, लाइक अपना वॉर्डन हो गया या फिर क्वीन हो गया। अगर आप लोग को ये अच्छे लगते हैं इनके इक्विपमेंट आप लोगों के अच्छे लेवल के, तो आप लोग सबसे पहले इनकी ओर जा सकते हो, जो कि भाई काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए भाई साहब ये थिंग्स रहेगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनकी सहायता से आप लोग इस इवेंट का बेस्ट यूज़ कर सकते हो, बाद में आप लोग को अफसोस नहीं होगा कि भाई साहब इस इवेंट को हमने मिस कर दिया। तो भाई मिस आउट तो आप लोग को बिल्कुल से भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप लोग को टाइमिंग निकालना है। एक और आप लोग को मैं बोनस टिप दे देता हूँ, जो अपना स्टार बोनस होता है इसको आप लोग को बिल्कुल से भी मिस आउट नहीं करना भाई, यहाँ से भी आप लोग थोड़ा बहुत रिसोर्सेज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, प्लस जो स्पेशल इवेंट आते गेम के अंदर उनको भी मिस नहीं करना। एंड गाइस अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हो तब गाइस आप लोग अपने मैजिक आइटम के अंदर रूनस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि रून ऑफ एलिक्सर या फिर रून ऑफ डार्क एलिक्सर, इनका आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके रिसोर्सेज यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर फुल हो जाएंगे। एंड आप लोग गाइस अपना यहाँ पे वर्क भी कर सकते हो, साथ साथ अपने हीरोज को भी आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। क्लैन गेम्स के अंदर से भी हमको रून ऑफ एलिक्सर मिला है, तो आप लोगों ने आई होप कलेक्ट कर लिया होगा। सो इस ये कुछ हमारी 7 से 8 टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनकी सहायता से आप लोग इस इवेंट का बेस्ट यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे क्लैश ऑफ क्लैंस अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलेगा। इस एंड काफ़ी मिनट लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग 1 लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।